आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप सबकी तैयारी भी विधिवत सही दिशा में चल रही होगी। तो आज हम आप सबके समक्ष उपस्थित हुए हैं एक नए कार्यक्रम को लेकर, और ये कार्यक्रम हमारा है कि मध्य प्रदेश राज्य विशेष के प्रत्येक ज़िले के बारे में हमें अध्ययन करना है, प्रत्येक ज़िले के बारे में डिटेल से हमें जानकारी करनी है। तो मध्य प्रदेश राज्य विशेष के अध्ययन के क्रम में आज हम देखने वाले हैं, सर्वप्रथम किसी एक संभाग के बारे में चर्चा करेंगे। और सर्वप्रथम जब संभाग की बात आती है तो हम संभाग में सर्वप्रथम जो है आज हम जो बात करने वाले हैं वो मध्य प्रदेश राज्य विशेष के जबलपुर संभाग की बात करने वाले हैं। तो जबलपुर संभाग से हम अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं और इसी तरह से हम आपके लिए प्रत्येक दिन एक नए संभाग के बारे में बताएंगे और उस संभाग से संबंधित जो भी जिले आते हैं उनके बारे में डिटेल से चर्चा की जाएगी। इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, इससे आपको किसी भी राज्य के, कोई भी राज्य यदि आप उठाते हैं और उसका जिलेवार अध्ययन करते हैं तो सर्वप्रथम आपका उसका इतिहास, उसका भूगोल, उसकी राजनीतिक व्यवस्था, उसकी अवस्थिति, वहाँ के पर्यटन, वहाँ के उद्योग, सबके बारे में हमें समग्रता से सीखने को मिलता है, जानकारी मिलती है। तो इसी क्रम में आज हम अपनी चर्चा प्रारंभ करने वाले हैं और सर्वप्रथम जो हमारा संभाग है जिसको लेकर हम आज बात करने वाले हैं, ये हमारा संभाग है जबलपुर संभाग। और जबलपुर संभाग के अंतर्गत आज जो हम बात करेंगे वो हमारे हैं कौन कौन से ज़िले, जबलपुर, कटनी, सिवनी, नरसिंहपुर, बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा और डिडोरी। जबलपुर के अंतर्गत 8 ज़िले आते हैं जबलपुर संभाग के अंतर्गत। और इस संभाग में हम जो आज बात करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे जबलपुर की। तो जबलपुर से संबंधित क्या प्रश्न बन सकते हैं आपकी परीक्षा में, जबलपुर किस प्रकार से आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले जब बात आती है किसी ज़िले की तो इसकी अवस्थिति देखते हैं कि जबलपुर अवस्थित कहाँ पे है, जबलपुर की अवस्थिति कहाँ पे है। तो जबलपुर की यदि अवस्थिति के बारे में देखें तो जबलपुर मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित एक ज़िला है। अब जो भी हम जिला पढ़ाएंगे, हम विधिवत पढ़ाते जाएंगे, लेकिन आपका सिर्फ एक होमवर्क होगा, क्या होगा कि जो भी ज़िला हम पढ़ाएंगे आपको बताना रहेगा कि उस ज़िले की कोई अन्य प्रदेश से सीमा लगती है या उसके चारों तरफ जो भी ज़िले स्थित है, मतलब जैसे जबलपुर की बात कर रहे हैं तो जबलपुर की सीमा जिन ज़िलों से लगती है या यदि किसी प्रदेश से लगती है तो उस प्रदेश का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। प्रत्येक दिन का यह आपका होमवर्क होगा कि जिस ज़िले के बारे में हम बताएंगे उस ज़िले की अवस्थिति आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बाकी सारी चीज़ें हम प्रारंभ करेंगे, लेकिन आपको क्या करना है आज के इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा आपको भी रिव्यू देना है कि ये कार्यक्रम कैसा है जो आप सबके लिए सोचा गया है, और यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ आप बताइएगा, इस कार्यक्रम को हम निरंतर जारी रखेंगे। तो सर्वप्रथम जब जबलपुर की बात आती है, जबलपुर ज़िले की बात आती है, अब हम जबलपुर ज़िले से पहुँच गए, जबलपुर संभाग से हम जबलपुर ज़िले पर आ गए हैं और जबलपुर ज़िले के बारे में हम देखने वाले। जबलपुर ज़िले की बात करें, यदि हम देखें जबलपुर की तो क्या देखने को मिलती है, इसकी जनसंख्या कितनी है, 24,07,714 ये यहाँ की जनसंख्या है। कहाँ की, जबलपुर की। तो जबलपुर की जनसंख्या हो गई 24,60,714। क्षेत्रफल की बात करें तो जबलपुर का जो क्षेत्रफल है वो 5,210 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तारित है। जबलपुर का कुल क्षेत्रफल 5,210 वर्ग किलोमीटर है। अब बात आती है साक्षरता की। साक्षरता की जब बात करें जबलपुर में साक्षरता की, तो जबलपुर मध्य प्रदेश का, संपूर्ण मध्य प्रदेश का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला ज़िला है। मतलब सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता कहीं देखने को मिलती है मध्य प्रदेश में तो जबलपुर में देखने को मिलती है, और इसका प्रतिशत है 91.40% यहाँ की साक्षरता है, पुरुष साक्षरता है किसकी, जबलपुर ज़िले की। इसके बाद आता है सबसे साक्षर ज़िला कौन सा है, तो आपको बता दूं कि ये जो हमारा जबलपुर ज़िला है ये पूरे मध्य प्रदेश में सबसे साक्षर ज़िला है, और इसके साक्षरता का दर पुरुष और महिला ओवरऑल साक्षरता का दर है 82.5%, लेकिन पुरुष साक्षरता का दर है 91.40%। तो 2 पॉइंट यहाँ से मिले। फिर यदि हम देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से यह दूसरा सबसे बड़ा ज़िला है,
मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला जो जनसंख्या की दृष्टि से है तो कौन सा है, हमारा जबलपुर है। यहाँ पे हम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 472 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर यहाँ का जनसंख्या घनत्व है, मतलब एक वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत जबलपुर में 472 लोग रहते हैं, 472 लोग निवास करते हैं। इसके बाद बात आती है कि जबलपुर को और किन नामों से जानते हैं। तो जबलपुर जैसा कि है, आप जानते हैं कि प्रत्येक ज़िले में कुछ ना कुछ ऐसे उद्योग धंधे पाए जाते हैं या कुछ ना कुछ ऐसी सामग्रियां मिलती हैं जिससे उसकी पहचान बनती है, उसकी एक अलग पहचान होती है। जैसे आगरा देख लीजिए यूपी में, तो उसकी पहचान कैसे है, ताजमहल से उसकी पहचान होती है। इसी प्रकार जबलपुर को क्या कहते हैं, जबलपुर को बोलते हैं संस्कार राजधानी। मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी किसको बोलते हैं, जबलपुर को बोलते हैं। इसको आम्र जिला भी बोलते हैं। दूसरी सबसे बात महत्वपूर्ण बात क्या है कि देश का प्रथम विकलांग पुनर्वास केंद्र जो है कहां पर स्थित है, यह भी जबलपुर में स्थित है, यह आपको पता होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देश की बात हो रही, प्रदेश की नहीं हो रही, देश का प्रथम विकलांग पुनर्वास केंद्र जो है वो भी हमारा जबलपुर में स्थित है। और आपको बता दूं, पश्चिम मध्य रेलवे जो है हमारा, आप जानते हैं भारत में टोटल जो रेलवे जोन है वो हो गए हैं 18, और 18वां जो रेलवे जोन हमारा बना था वो हमारा बना था साउथर्न कोस्ट रेलवे, दक्षिण तट रेलवे, और दक्षिण तट रेलवे का जो मुख्यालय है वो विशाखापट्टनम में है। तो टोटल 18 रेलवे जोन है, और उन्हीं 18 रेलवे जोन में से पश्चिम मध्य रेलवे भी एक है, और इस पश्चिम मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, जबलपुर में है, ये भी अक्सर पूछा जाता है। और आपको बात कर रहे हैं जब हम रेलवे की, तो आपको बता दें कि रेलवे का एक प्लान है, बोलते हैं प्लान बी, प्लान बी, बी मींस मधुमक्खी। तो प्लान बी जो है ये अक्सर पूछा गया है और पूछा जा सकता है कि जो प्लान बी है ये किस रेलवे जोन से संदर्भित है। तो जो हमारा प्लान बी है ये संदर्भित है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे से। और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने क्या किया है प्लान बी के अंतर्गत, प्लान बी के अंतर्गत इन्होंने हाथियों को बचाने का प्रयास किया है। मतलब जो रेलवे ट्रैक है उसके दोनों किनारे क्या किया जाएगा, साउंड लगाए जाएंगे, और उस साउंड में मधुमक्खियों की आवाज़ को सुनाई देगी जब ट्रेन आने वाली होगी। इससे क्या होगा, हाथी जो हैं क्योंकि वो मधुमक्खियों से डरते हैं तो क्या होगा, रेलवे ट्रैक पर नहीं आएंगे और हाथियों की जान बचाई जा सकेगी। उनको बेहतर, एक प्रकार से देखें तो बेहतर ढंग से रेलवे ट्रैक से सुरक्षित किया जा सकेगा। तो प्लान भी इसके लिए है, ये भी इसी को हमने यहाँ से जोड़ के देख लिया। राज्य का एकमात्र कृषि अभियांत्रिकी जो महाविद्यालय है वो कहाँ पर है, जबलपुर में स्थित है, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें पर्यटन स्थल की, जबलपुर में कैसा पर्यटन है, कौन कौन से ऐसे स्थल है जहाँ पर पर्यटक आते हैं, तो आप जानते हैं जबलपुर के जो जलप्रपात हैं, सबसे पहले जलप्रपातों की बात होती है क्योंकि यहाँ के जो जलप्रपात हैं वो देखा जाए तो वैश्विक पहचान बनाकर रखे हैं, और बहुत सारे विदेशी टूरिस्ट भी यहाँ पर आते हैं। जो मध्य प्रदेश में विदेशी टूरिस्ट जाते हैं वो ज़्यादातर, उनमें से ज़्यादातर जबलपुर अवश्य जाते हैं। अब जबलपुर की बात करें, जो पर्यटन स्थल है उसकी बात करें, तो यहाँ पे है 64 योगिनी मंदिर, पिसनहारी की मठिया, पीजन हरि जैन तीर्थ, ये महत्वपूर्ण है, पूछा गया है कि पीजन हरि जैन तीर्थ कहाँ पर स्थित है, तो जबलपुर में स्थित है। इसके बाद आता है गुप्तकालीन विष्णु मंदिर। जो गुप्तकालीन विष्णु मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है, तिगवा में स्थित है, तिगवा में। और आप जानते हैं कि जैसे इतिहास में किस तरह से पता चलता है कि कौन सा शासक यहाँ पे था या कौन सा राजा यहाँ पे रह चुका है, किस तरह की यहाँ की शासन व्यवस्था थी, ये कैसे पता चलता है, जब वहाँ पे कुछ अवशेष मिलते हैं, सिक्के मिले या कोई ऐसा साक्ष्य मिले जैसे शिलालेख होता था, तो उससे क्या होता था, संबंधित राजा के बारे में जानकारी मिलती थी कि इस राज्य का, यदि यहाँ पे इस तरह का कुछ भी अवशेष मिला है, निश्चित रूप में इस तरह का यहाँ पे राज्य रहा होगा, कोई ऐसा व्यक्ति था जो इनसे संदर्भित था, इसने यहाँ पे शासन किया है। तो जब हम देखते हैं गुप्तकालीन विष्णु मंदिर, तो यहाँ से क्या पता चलता है कि गुप्तकालीन विष्णु मंदिर तिगवा में है, मतलब इस वंश का शासन भी मध्य प्रदेश में रहा होगा। दूसरी बात आती है दुर्गावती समाधि। दुर्गावती समाधि भी कहाँ पर है, इसके अंतर्गत, जबलपुर के अंतर्गत बरेला में है। और एक यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है, रानी अवंतीबाई बांध, जिसको बोलते हैं वर्गी बांध,
तो बरगी बांध जिसको हम बोलते हैं रानी अवंतीबाई बांध, ये कहाँ पे है? नर्मदा नदी पर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बरगी बांध सबको पता होता है, लेकिन आपको इसका दूसरा नाम भी याद रखना है, क्या? रानी अवंतीबाई बांध बरगी गांव में है, इसलिए इसको बरगी गांव बरगी बांध भी बोला जाता है। नर्मदा नदी पर स्थित है। और नर्मदा की जब बात आती है तो आपको बता दो कि महात्मा गांधी की अस्थियां भी यहीं पे प्रवाहित की गई थी, मतलब नर्मदा नदी में प्रवाहित की गई थी। आगे यदि हम देखें तो आप जानते हैं, जैसे मैंने बोला कि जलप्रपात जबलपुर का बहुत ही एक प्रकार से देखें तो इसकी विश्व स्तर पर अपनी अलग पहचान है। तो मध्य प्रदेश के जो जलप्रपात हैं वो हमारी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण हैं और अन्य राज्यों की परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पे भेड़ा घाट या धुआंधार जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से यदि आप मध्य प्रदेश से हैं तो आपको एक बार अवश्य जाना चाहिए। धुआंधार जो जलप्रपात है ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि एकमात्र जलप्रपात है जो सफ़ेद संगमरमर चट्टानों से बना है। एकमात्र जलप्रपात है जो सफ़ेद संगमरमर चट्टानों से बना है, वो कौन सा है हमारा? वो हमारा है धुआंधार जलप्रपात भेड़ा घाट। इसके बाद यहाँ पे अभ्यारण्य की बात करें तो दो अभ्यारण्य आपको देखने को मिलेंगे जबलपुर में, एक है गंगऊ और दूसरा है दुर्गावती। तो गंगऊ और दुर्गावती दो अभ्यारण्य भी आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। उद्योगों की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो जबलपुर है हमारा, सॉरी ये अभ्यारण्य जबलपुर की बात हो रही है, यदि गलती से हम मध्य प्रदेश बोल देते हैं मतलब किसी चीज़ में, तो उसका मतलब है कि जबलपुर की बात हो रही है, तो जबलपुर से जोड़ के देख लीजिएगा। इसके उद्योग की बात करें तो आपको बता दूं जबलपुर में जो उद्योग हैं विशेषकर भारी वाहन कारखाना है, भारी वाहन कारखाना आपको जबलपुर में देखने को मिलेगा। बीड़ी उद्योग का बहुत बड़ा स्कोप है जबलपुर में, तो बीड़ी उद्योग भी यहाँ पे देखने को मिलता है। अब जो मैंने देखा है आप सब ने भी देखा होगा कि जबलपुर में क्या, एक तो मौर्यकालीन सत्ता का पता चला है, तो मौर्यकालीन के बारे में हम देखने वाले हैं। दूसरा कलचुरी या चेद वंश के बारे में भी कुछ जानकारी हम करेंगे, क्योंकि कलचुरी या चेद वंश जो हमारा है इसका भी शासन मध्य प्रदेश में रहा है, तो उसके बारे में कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि यहाँ पे सिर्फ हम चीज़ें संक्षिप्त देखेंगे, क्यों? क्योंकि इसके बारे में डिटेल चर्चा यदि हमारा आप मध्य प्रदेश राज्य विशेष के आज़ाद IAS अकादमी से जुड़े हैं तो आपको देखने को मिलेगा क्या कि जो हमारा कोर्स है, जो हमारा कोर्स है PT और मेंस का राज्य विशेष का, वो बहुत ही विस्तृत है, वहाँ पे बहुत ही डिटेल में चीज़ें कराई गई हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों से। आपको यहाँ पे सिर्फ फैक्ट, एक बेसिक जानकारी पता हो जाए कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार से शासन व्यवस्था थी, किन किन ने शासन किया है, ठीक है, जब प्रत्येक ज़िले की हम बात करेंगे। और डिटेल में पढ़ने के लिए जो आपका मेन्स प्रॉस्पेक्टिव है, डिटेल में पढ़ने के लिए वो सारी चीज़ें आपको हमारे पैकेज में है। यदि जो एक जून से लॉन्च हो रहा है, 1 जून से हमारा नया कोर्स लॉन्च हो रहा है मध्य प्रदेश राज्य विशेष का, तो आप जाके, बहुत ही कम फीस रखी गई है, तो आप जाके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और निश्चित रूप से आप ज्वाइन करने के बाद आपको मिलेगा कि इस तरह का कोर्स, इस तरह का कंटेंट कहीं और आपको नहीं मिल सकता, बहुत ही विधिवत पढ़ाया गया है। तो मौर्यकाल की जब बात आती है तो मौर्यकाल का सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि इसका मौर्यकाल का कब से कब तक शासन रहा। तो मौर्यकाल की बात आए तो 323 से 187 ईसा पूर्व तक मौर्यकाल का शासन रहा है। अब मध्य प्रदेश में जब बात आती है मौर्यकाल में, मौर्यकाल की बात मध्य प्रदेश के लिए क्यों आती है, क्योंकि यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ पे एक मिला था लघु शिलालेख, और इसी लघु शिलालेख से पता चला है कि मध्य प्रदेश में मौर्यकालीन शासन रहा है। ये जो लघु शिलालेख है ये कहाँ पर है, रूपनाथ जबलपुर में है। इसके अतिरिक्त भी कई शिलालेख मिले हैं, जैसे गुर्जरा सारो मारो, इस तरह के जो शिलालेख हैं जो अशोक से संदर्भित हैं, वो बताते हैं कि यहाँ पे मौर्यकाल का शासन रहा है, उसके बारे में जानकारी हमें देते हैं, तो इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो चलिए यदि हम देखें मौर्यकाल के बारे में, तो मध्य प्रदेश राज्य विशेष के बारे में यदि हम देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदसार के समय अवंती जो प्रदेश था उसका कुमारा मात्र बोलते हैं, तो वो कौन था, अशोक था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो अवंती प्रदेश था उसका क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार के समय अवंती प्रदेश का कुमारा रात्य, या इसको बोलते हैं प्रमुख, बोलते हैं राज्य प्रमुख बोल सकते हैं, तो वो अशोक था। और जब अशोक था तो उसने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात क्या किया, मगध का शासक बन गया। और जब अशोक मगध का शासक बना तो आप जानते हैं कि उसने बहुत सारे
बहुत सारे विजयी कार्यक्रम, विजयी अभियान चलाए थे, राज विस्तार के कार्यक्रम उसने बहुत विधिवत चलाए थे। इन सब के बारे में आपको डिटेल में जो हमारा कोर्स है, विशेषकर इतिहास की यदि हम बात करें तो इसको रवि सर और शशि सर के द्वारा पढ़ाया गया है, तो बहुत ही डिटेल में चीज़ें पढ़ाई गई हैं, कुछ भी आपको यहाँ पे छूटेगा नहीं। तो इसमें क्या था कि अशोक को देवा नाम प्रिय भी कहा जाता था, उसको एक उपाधि दी गई थी, देवा नाम प्रिय की एक उपाधि भी अशोक को मिली हुई थी। इसके बाद आपने देखा होगा सिंघली, विशेषकर सिंघली जो परंपरा है उससे पता चला है कि अशोक का एक कार्यक्रम था, एक अभियान था, और उज्जैनी जाते वक्त अशोक विदिशा में रुका था और वहीं पर उसने अपने एक श्रेष्ठी की पुत्री श्रीदेवी के साथ विवाह किया था। तो जो इस विवाह से जो उनके पुत्र और पुत्री जन्म लिए थे वो महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। इनके पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। इनके अनेक कार्यक्रम हैं, इन्होंने भी बहुत प्रसार बौद्ध धर्म के प्रसार में काफ़ी योगदान दिया है इन दोनों ने, महेंद्र और संघमित्रा ने, वो भी आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सूक्ष्म रूप से देखने की ज़रूरत है कि किन किन राज्य वंशों का शासन मध्य प्रदेश में रहा है। और इसमें आप देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण है वो क्या है कि मौर्ययुगीन सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित लघु शिलालेखों में निम्न का संबंध वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य से था। कौन कौन से? रूपनाथ जबलपुर में है, गुर्जरा ये दतिया में है, सारो मारो ये सीहोर में है। इन सब का संबंध जो है मध्य प्रदेश से था, जिसे ये स्थापित हो जाता है, ये सिद्ध हो जाता है कि मध्य प्रदेश में अशोक का शासन था, मौर्यकालीन शासन मध्य प्रदेश में रहा है। ये उसके साक्ष्य हैं, इन्हीं साक्ष्यों के आधार पे हम मानते हैं कि मौर्यकाल का शासन जबलपुर विशेष, क्योंकि जबलपुर में भी मिला है तो निश्चित रूप में जबलपुर भी उस भाग का हिस्सा था जो मौर्य शासन के अधीन था। दूसरा यहाँ पे साक्ष्य मिलता है कलचुरी या चेदी वंश के शासकों का। जो कलचुरी या चेद वंश के शासकों का अभिलेख मिल जो जानकारी मिलती है कि इनका भी यहाँ पे शासन था, उसमें क्या था कि कोक्कल प्रथम ये 850 ईस्वी के लगभग में इनका शासन था, और ये जो कोक्कल प्रथम थे इन्हीं को माना जाता है कि यही इस वंश के, इस राजवंश के प्रमुख थे, इन्हीं से ये राजवंश प्रारंभ हुआ था और सबसे प्रतापी राजा के रूप में भी कोक्कल प्रथम को जाना जाता है। और इनकी राजधानी जो कलचुरी या चेदी वंश था, हम क्यों इसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसकी राजधानी त्रिपुरी या तेवर है जो हमारे जबलपुर से संबंधित है। तो आज हम इतिहास में जो भी कंटेंट देख रहे हैं निश्चित रूप से उसका कहीं ना कहीं जुड़ाव जबलपुर से हो रहा है, तो सिर्फ जबलपुर से जिसका जुड़ाव हो रहा है उसी को हम देख रहे हैं। यदि इनमें से किसी का जुड़ाव किसी अन्य ज़िले से होगा तो वहाँ पर भी जाके हम उस ज़िले से संबंधित जो जुड़ाव प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो कोक्कल प्रथम 850 ईस्वी में ये इनका राजवंश था और इनकी राजधानी त्रिपुरी या तेवर थी जो वर्तमान जबलपुर के अंतर्गत आती है, जबलपुर में मानी जाती है। और इस समय क्या था, इस समय एक राजशेखर नाम के इनको लेखक बोल लीजिए या कवि बोल लीजिए तो ये भी हुआ करते थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इस दौरान, इस कोक्कल प्रथम के कार्यकाल के दौरान, इस चेदी वंश के शासक के शासन के दौरान ये जो है वापस आए थे, कहाँ से, कन्नौज से वापस आकर यहाँ बसे थे। और जब कन्नौज से ये वापस आए थे तो इन्होंने काव्य मीमांसा और विद्वसाल मंजिका ये दो ग्रंथ लिखे थे, दो पुस्तक लिखे थे। और जो काव्य मीमांसा और विद्वसाल मंजिका है, इसमें जो विद्वसाल मंजिका है ये युवराज को मालवा का प्रमुख बताती है, मालवा का राजकुमार बताती है, मालवा का राजा बताती है। और इसी युवराज के कार्यकाल में ही राजशेखर कन्नौज से वापस लौटे थे। तो याद रखना है कि काव्य मीमांसा या विद्वसाल मंजिका के लेखक कौन है, किसके द्वारा रची गई है, किसकी कृतियां हैं, तो ये राजशेखर की कृतियां हैं। और किसके कार्यकाल में ये आए थे, युवराज के कार्यकाल में ये वापस आए थे। इसके अतिरिक्त आप देखोगे एक और देखने को मिलता है क्या, कर्णदेव, इसी राजवंश के एक और राजा का वर्णन देखने को मिलता है, उनका नाम है कर्णदेव, त्रिपुरी में भी इनका शासन था। तो जो कर्णदेव थे ये भी बहुत प्रतापी राजा थे इस वंश के, क्यों, क्योंकि इन्होंने देखो चारों तरफ इनका विजयी अभियान चल रहा था और इन्होंने मालवा के राजा भोज को भी हराया था, चंदेल राजा कीर्तिवर्धन को भी हराया था, दक्षिण के चोलों को भी इन्होंने परास्त किया था और इनको संज्ञा दी जाती थी हिंद का नेपोलियन। तो याद रखिएगा जब आपसे बात किया जाए या प्रश्न पूछा जाए कि मध्य प्रदेश राज्य विशेष के संबंध में हिंद का नेपोलियन किसे कहा जाता है,
है तो कर्ण देव को हिंद का नेपोलियन कहा जाता है और कर्ण देव कलचुरी वंश के अंतर्गत आते हैं, कलचुरी या चेदी वंश के अंतर्गत आते हैं। और ये जो कर्ण देव हैं इनके द्वारा अमरकंटक के मंदिर का निर्माण भी किया गया था, कर्ण के देव के द्वारा ही अमरकंटक में एक मंदिर का निर्माण किया गया था। कुछ और विविध फैक्ट हैं उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, तो उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ मैं बता रहा हूँ कि ज़्यादातर चीज़ें पीटी ओरिएंटेड है, क्योंकि डिटेल में आप जो हमारा कोर्स लेंगे उसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब बात करते हैं नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी की चर्चा क्यों करते हैं थोड़ी सी, क्योंकि राजा हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय बहुत अक्सर चर्चा में रहते हैं मध्य प्रदेश के संबंध में। तो हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच एक युद्ध हुआ था, और जो ये युद्ध हुआ था ये कहाँ पे हुआ था, नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। तो अभी हाल ही में एक परीक्षा में, लगभग 3 से 4 महीने हो गए, एक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि हर्ष और पुलकेशिन के बीच, द्वितीय के बीच जो युद्ध हुआ था किस नदी के तट पर हुआ था, तो वो नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। दूसरी बात आती है, आप जानते हैं भेड़ा घाट, तिलवारा घाट, यहाँ से नौ पाषाणकालीन साक्ष्य मिले हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो भेड़ा घाट और तिलवारा से नौ पाषाणकालीन साक्ष्य भी मिले हैं। दूसरी बात आती है वासुदेव प्रथम, ये भी एक राजा थे। तो वासुदेव प्रथम के समय एक तांबे का सिक्का था, तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ था कहाँ से, तेवर से। अभी हाल ही में नहीं कह सकते, कुछ वर्षों पूर्व खुदाई हुई थी और उस खुदाई में वासुदेव प्रथम के कार्यकाल का एक तांबे का सिक्का हमारा तेवर जबलपुर से प्राप्त हुआ था, ये भी आपको फैक्ट के रूप में याद रखना है। दूसरी बात, आप जानते होंगे सातवाहन शासक यज्ञश्री का नाम आपने सुना होगा, यज्ञश्री सातकर्णी। इस समय क्या देखने को मिला था कि इनके समय का एक शीशे का सिक्का हुआ करता था, शीशे का सिक्के का प्रचलन था। तो ये जो शीशे का सिक्का था सातवाहन शासक यज्ञश्री के कार्यकाल का, ये भी कहाँ पे पाया गया था, त्रिपुरी में पाया गया था, और त्रिपुरी आप जानते हैं वर्तमान जबलपुर के अंतर्गत है। तो क्या क्या चीज़ें त्रिपुरी या तेवर और जबलपुर से संदर्भित हैं उसके बारे में हमने बात किया है, कि किस प्रकार से इतिहास जबलपुर से जुड़ता है, किस प्रकार से भौगोलिक अवस्थितियाँ जबलपुर की हैं, उन सब के बारे में हमने देखा है। यदि आपको पसंद आता है तो बताएं, निश्चित रूप से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा, और आगे धीरे धीरे इस कार्यक्रम में बहुत सारे तथ्यों को एक साथ जोड़कर आप सबके लिए प्रस्तुत किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा, और आप सब लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करेंगे। निश्चित रूप से ये कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहेगा यदि आपका सहयोग मिलता रहेगा, तो आपके सहयोग की उम्मीद हम भी करते हैं कि जितना हमारे द्वारा मेहनत कराई जाती है, जितना हमारे द्वारा आप सबके लिए कार्य किया जाता है, आप सब भी उतना ही मन से लगन से अपना कार्य करते होंगे। तो ये पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं, धन्यवाद।